जा रहे हैं आप? तब के भी यहाँ पे फंसे थे लॉकडाउन में, भूखन मर गए थे, यहाँ पे रहे थे। क्या खा रहे हैं अभी आप? मैं गांव जा रहा हूँ। डर है कि पिछली बार हम भूखे मर गए थे, इसी बार भी भूखन मर जाएंगे। लॉकडाउन होने वाला भरोसा कोई नहीं। प्राइवेट बस वाले 500 रुपए किराया था, अब 2000 रुपए किराया मांग रहे हैं, 3000 रुपए किराया मांग रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। देश में कोरोना की लहर हर दिन खतरनाक होती दिख रही है और हालात ये हो गए हैं कि एक दिन में 2 लाख से ज्यादा मामले जो हैं वो सामने आते नजर आ रहे हैं। और इसीलिए देखिए, कई दिनों से खबरें जो हैं वो आ रही थी कि प्रवासी मजदूरों का पलायन जो है वो एक बार फिर से शुरू हो गया। इसी पड़ताल के लिए आज हम खुद न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। ये देखने के लिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम आई है कि सही में प्रवासी मजदूरों का पलायन जो है वो शुरू हो गया है या सिर्फ ये कहा जा रहा है। लेकिन तस्वीरें जो यहाँ पर दिख रही हैं वो बेहद चिंताजनक जो हैं वो हैं, क्योंकि देखिए, अगर मैं कहना चाहूँगी कैमरा पर्सन से, चारों तरफ की तस्वीरें आपको दिखाएं, लोग जो हैं बसों का इंतज़ार कर रहे हैं, बड़े बड़े बैग लोगों के हाथ में हैं, बड़े बड़े सामान उनके हाथ में, बच्चे हों या बड़े हों, हर कोई जो है वो अपने घर जाता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि देखिए, अगर पिछले एक साल पहले की बात करूँ तो तस्वीर जो है वैसे ही नज़र आ रही है, पिछले साल जैसी तस्वीर जो है वो नज़र आ रही है। अगर देखा जाए, कहा जाए कि अब हमने कोरोना को लेकर एक साल में क्या किया, तो देखिए ये कहना गलत नहीं होगा कि कोरोना को लेकर पिछले एक साल में हमने कुछ नहीं किया। वो इसलिए कहा मैंने ऐसा क्योंकि देखिए तस्वीर जो है वो सेम नज़र आ रही है। पिछले साल भी यही तस्वीर नज़र आई थी, इस साल भी यही तस्वीर नज़र आ रही है कि प्रवासी मजदूर जो हैं, लोग जो हैं अलग अलग राज्यों में रहते हैं, उनका पलायन जो है एक बार फिर से शुरू हो गया। क्योंकि लोगों के मन में देखिए डर है कि कहीं अचानक से सरकार जो है लॉकडाउन ना लगा दे और कहीं ये लोग फंस के ना रह जाएं, क्योंकि उसके बाद इन लोगों के पास ना तो नौकरी रहेगी, ना खाने पीने की व्यवस्था होगी, ना घर का किराया देने के लिए पैसे होगा। क्योंकि स्थिति पिछले साल भी ऐसी ही बनी नजर आई थी जब सरकार ने एकदम से लॉकडाउन का ऐलान कर दिया था। हालांकि देखिए अभी लॉकडाउन जैसी स्थिति जो है वो होती नजर नहीं आ रही है, लेकिन तमाम राज्य सरकारें जो हैं वो अपने बल पर फैसला ले रही हैं और अपने अपने राज्यों में जो हैं कड़े नियम जो है वो बना रही हैं। और इसीलिए देखिए यूपी हो, आज यूपी में भी यानी कि संडे को जो है पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया, पूर्ण कर्फ्यू, यानी कि सिर्फ ज़रूरी सेवाओं से जुड़े लोग जो हैं वो ही निकल पाएंगे। इससे पहले दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली में भी देखिए वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है। मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, स्थिति जो है हर दिन खराब होती नज़र आ रही है और इसीलिए राज्य सरकारें अपने बल पर फैसला लेती नज़र आ रही है। और देखिए तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगी, देखिए कैसे बड़े बड़े बैग, एक हाथ में चार चार बैग, पाँच पाँच बैग, ये लोग अपने अपने घर जाने के लिए तैयार हैं, गोद में बच्चा है। यानी कि देखिए तस्वीर जो है फिर से एक बार वही पिछले साल जैसी नजर आ रही है। देखिए एक हाथ है, एक इंसान है, लेकिन बैग की गिनती की जाए तो चार चार बैग जो है वो एक इंसान उठाता हुआ नजर आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि कहीं फिर से एक बार लॉकडाउन ना हो जाए, यही डर लोगों के मन में है और यही डर इन्हें इनके घर की ओर ले जा रहा है। लगातार हम बने रहेंगे, एक एक तस्वीर आपको यहाँ से दिखाएंगे और लोगों से बातचीत भी करेंगे, प्रवासी मजदूरों से जानेंगे क्यों वो लोग घर जा रहे हैं, ऐसी क्या मजबूरी आ गई, ऐसा क्या हो गया जो उन्हें घर जाना पड़ रहा है। बने रहिए हमारे साथ। क्या कहना चाह रहे हैं? हम चेक करवाना चाह रहे हैं, कोरोना 24 घंटे ड्यूटी होनी चाहिए इनकी चेक करने की। तो फिर अभी हम उधर से आए हैं, इधर को देख रहे हैं, कहीं दिखाई नहीं दे रहे, अब ऐसे हम कहाँ भटकेंगे यहाँ। कुछ लोग हमें हालांकि मिले हैं जो लॉकडाउन की वजह से जा रहे हैं और कह भी रहे हैं। बताइए कहाँ जा रहे हैं आप? तब के भी यहाँ पे फंसे थे लॉकडाउन में, भूखन मर गए थे, यहाँ पे रहे थे। क्या खा रहे हैं अभी आप? मैं गाँव जा रहा हूँ, बहराइच। क्या हुआ, डर है कि लॉकडाउन लगेगा? हाँ डर है, हाँ डर है सर, डर है कि पिछली बार हम भूखे मर गए थे, इसी बार भी भूखन मर जाएंगे। तो लॉकडाउन जैसी स्थिति नजर नहीं आ रही, क्योंकि सरकार कह रही है कि लॉकडाउन कोई तरीका नहीं है, कोई समाधान नहीं है। तो है नहीं हमारे पर, क्या भरोसा है, पिछली बार ऐसे झेल गए थे फिर झेल जाए। गाँव पैदल गए थे भूखन, वहाँ पे ना बस मिला ना कुछ मिला है, पैदल गए थे अब की बार। आप बताइए आप कहाँ जा रहे हैं? मैं जाना है रानीखेत, यहाँ लॉकडाउन होने वाला इसलिए रानीखेत जा रहे हैं। मैं पिछले साल यहीं पे फंसे थे क्या लॉकडाउन में? लेकिन लॉकडाउन से पहले निकल गया था, नेपाल गए बंद हूँ मैं तो। अच्छा, यहाँ लॉकडाउन हो रहे, नेपाल में भी लॉकडाउन हो रहे, इसलिए रानीखेत जा रहे हैं। सरकार तो नहीं कह रही है कि लॉकडाउन लगाएगी? भरोसा कोई नहीं है, लॉकडाउन होने वाला भरोसा कोई नहीं।
के लोगों पर को भरोसा नहीं है कि सरकार जो है लॉकडाउन लगाएगी या नहीं लगाएगी, बताइए क्या कह रहे हैं आप? प्राइवेट बस वाले 500 रुपए किराया था, अब 2000 रुपए किराया मांग रहे हैं, 3000 रुपए किराया मांग रहे हैं, वहाँ भी कार्रवाई कोई भी नहीं है। लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि हमें भरोसा नहीं है सरकार के ऊपर, क्या पता सरकार अचानक से पिछले साल की तरह लॉकडाउन लगा दे और हमें यहाँ रह के भूखे नहीं मरना है, इसीलिए ये लोग जो हैं अपने घर जा रहे हैं। देखिए किस तरह से ये एक बस आई है और लोगों के मन में कितना डर है कि बस आके खड़ी हुई है, और देखिए भारी भीड़ इस बस में चढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि देखिए सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, लेकिन बस लोगों को इस समय एक चीज़ ही दिख रही है, वो ये अपना घर। लोगों के मन में सिर्फ और सिर्फ अपना घर नज़र आ रहा है, उनकी आँखों के सामने उनका घर है, क्योंकि इनका साफ तौर पर यही कहना है कि ये लोग जो है पिछले साल जिस तरह से यहाँ पर फंस गए थे, इस साल फंसना नहीं चाहते, इसीलिए देखिए हालात कितने खराब होते नजर आ रहे हैं, हालात कितने बेकार होते नजर आ रहे हैं कि लोगों के मन में इस कदर डर बैठ गया है कि ये लोग अपने घर जा रहे हैं और ये लोग ना सोशल डिस्टेंसिंग को देख रहे हैं ना कुछ और देख रहे हैं। इन्हें कोरोना का डर नहीं है, इन्हें भूख से मरने का डर है, और इसीलिए एक बस आके खड़ी हुई, भारी संख्या जो है बस की ओर दौड़ पड़ी ताकि इस बार जो है इनका नंबर आ जाए और इस बार ये अपने बस में बैठकर अपने घर चले जाए, क्योंकि देखिए बस में यात्री बहुत ज्यादा है, बस की संख्या उतनी नहीं है, इसीलिए ये लोग किसी का चीज का इंतजार नहीं कर रहे, ये लोग इस चीज का इंतजार नहीं कर रहे कि हम अगली बारी में बैठ जाएंगे बस में, ये लोग इसी बारी में अपने जाना चाहते हैं घर और इसी बारी में बस में बैठना चाहते हैं, क्योंकि इनका चांस अगर अभी मिस हो गया तो अगली बस कितनी देर में आएगी, कितनी देर में चलेगी, उतनी देर इनके घर पहुंचने में लगेगी, एक मिनट का इंतजार जो है इन लोगों को नहीं हो रहा है। बताइए कहाँ जा रहे हैं आप? हम लोग 2 दिन से यहीं पर हैं, हमारे पास थोड़े जो पैसे थे, अभी इंडिया आए थे लॉकडाउन के वजह से, घर जा रहे हैं, और ये रेलवे स्टेशन में हम लोग आ रहे थे, टीटी ने हमारा सारा पैसा लूट लिया, और 2 दिन से यहाँ पर हम बैठे पड़े हैं, सोए भी नहीं है डर के मारे, फिर भाई लोग हमारे पैसा पठाया है उधर से चेन्नई से और दूसरे के खाते में, दोस्त के खाते, हमारे पास तो वो नहीं है आईडी, तो इसीलिए अब आज जा रहे हैं घर, मुश्किल से गाड़ी मिली है। यहाँ पर शिकायत नहीं की है क्या? शिकायत करते हैं तो यहाँ बहुत लूट मार होता है, क्या करें, लात मार के भगा देते हैं, सब मिले होते हैं, बहुत मुश्किल हो जाते हैं, हम लोग गरीब हैं, नेपाल से आते हैं काम करने के लिए, बड़ा मुश्किल की वजह से घर जा रहे हैं, लॉकडाउन के वजह से। इस बार बोल रहे हैं ना बहुत गाड़ी अब जाम हो रहा है, गाड़ी नहीं मिल रहा हमारे नेपाल का, उधर जाने का बनवासा का गाड़ी कल नहीं मिला, आज भी नहीं मिल रहा है, बस इधर लूट मार ज़्यादा होते ही, गुजारिश है मेरा, टीटी ने सारा हमारा पैसा लूट लिया, चोरी नहीं जेब से निकाल लिया सारा पैसा, हमारे पास प्रमाण है पूरा नेपाल का, तब भी वो लोग क्यों लूटते हैं? आपने कुछ कहा नहीं क्या उन्हें? कहा था, बोल रहा तुम्हारे डॉक्टर टिटनी निकाल लेंगे, ये है वो है, हम डरते हैं क्या करें, अब हमारे दूसरे से बोलेंगे निकल निकल बोलता है, अभी अंदर डालूंगा तुझे पुलिस बुला के। देखिए किस तरह से लोग परेशान हैं, स्थिति इससे ही स्थिति का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह से लोग परेशान हैं कि टीटी ने इनके पैसे निकाल लिए और धमकी भी दी कि अगर कुछ किया तो मैं पुलिस से पकड़वा दूंगा, यानी कि देखिए प्रशासन पे सीधा सीधा ये आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर कोई सुनने वाला इनका नहीं है, इनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, इसीलिए ये परेशान है, 2 दिन से ये यहाँ पर हैं, पैसा इनके पास घर जाने के लिए नहीं है, लेकिन लॉकडाउन के डर की वजह से ये घर अपने जाना चाहते हैं, लेकिन पैसे इनके टीटी ने ले लिए हैं। देखिए किस तरह की तस्वीर जो है वो सामने आ रही है, लोग बहुत परेशान है, सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, किसी के साथ चोरी की बात हो या किसी को बस नहीं मिल रही है या घर जाने की परेशानी हो, तमाम परेशानियां जो हैं यहाँ लोगों की नज़र आ रही है, यानी कि साफ तौर पर पिछली बार की तरह इस बार फिर से एक बार जो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है वो आम जनता है, वो प्रवासी मजदूर हैं जो एक बार फिर से परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ये देखिए आनंद विहार बस अड्डे की एक तस्वीर ऐसी भी है, लोगों को इतना डर है, लोगों के मन में इतनी चिंता है कि बस में नीचे हो चाहे ऊपर हो हर तरफ यात्री ही नज़र आ रहे हैं, ये लोग इस चीज़ का भी इंतज़ार नहीं कर रहे कि अगली बस आएगी तो इन्हें सीट मिलेगी, उसमें ये लोग आराम से बैठ के जाएंगे, लेकिन देखिए नीचे जितनी भीड़ नज़र आ रही है ऊपर भी उतनी ही भीड़ नज़र आ रही है, लोगों को अब किसी चीज़ का डर नहीं है, लोगों को जो डर है वो सिर्फ इसका कि लॉकडाउन में हम फंस ना जाएं और एक बार पिछली बार की तरह फिर से भूखे ना मर जाऊं, कहीं ऐसी स्थिति ना पैदा हो जाए कि हम एक बार फिर से
अपने अपने घर सड़कों से पैदल पैदल जाएं, क्योंकि देखिए पिछले साल की जो तस्वीर सामने आई थी बहुत भयावह थी। हजारों किलोमीटर लोग जो हैं पैदल चलकर तपती धूप में अपने अपने घर पहुंचे थे, इसीलिए इस बार ये लोग किसी भी चीज़ का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। और बेहद चिंताजनक जो हैं ये तस्वीरें हैं, चाहे पूरे बस अड्डे का नज़ारा दिखा लूँ, बस का दिखा लूँ, कहीं का भी दिखा दूँ, हर तरफ देखिए सामने की तस्वीर आप देख रहे हैं कितनी भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सब जो हैं सिर्फ और सिर्फ बस का इंतज़ार कर रहे हैं। और बार बार अनाउंसमेंट भी इसलिए ही किया जा रहा है कि लगातार उत्तर प्रदेश जाने वाले जो लोग हैं वो कौशाम्बी बस अड्डे पर पहुंच जाएं, या कहीं और जाने वाले लोग जो हैं वो इस बस अड्डे पर पहुंच जाएं, इस नंबर के बस अड्डे पर पहुंचे। लगातार अनाउंसमेंट भी इसी तरह की जा रही है, लेकिन देखिए लोगों के मन में एक ही डर नज़र आ रहा है, वो ये अपने अपने घर वापस पहुँचने का, अपने अपने घर सुरक्षित पहुँच जाने का, क्योंकि कोरोना से ज़्यादा इन लोगों को डर जो है वो लॉकडाउन का है, और लॉकडाउन से ज़्यादा भूखे मर जाने का इन लोगों को डर है। क्योंकि पिछले साल जो स्थिति हर किसी ने इनकी देखी थी, उसी स्थिति में ये वापस से नहीं जाना चाहते, इसीलिए इस बार ये अपने अपने घर जो है वापस जाना चाहते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? हम चेक करवाना चाह रहे हैं कोरोना, नहीं यहाँ कहीं नहीं दिखाई दे रहा हमको, हम परेशान हैं, आधे घंटे से जो ऊपर हो लिया हमको, 8-10 आदमी हमारे, तो हमें परेशानी हो रही है ज़्यादा। अभी तो यहीं पे ही हैं, यहाँ पे नहीं हो रहा कहीं, कैंप लगा हुआ तो कहाँ है कैंप यहाँ? नहीं ये तो ड्यूटी तो 12-24 घंटे होनी चाहिए चेकिंग करने वाले इनकी, 24 घंटे ड्यूटी होनी चाहिए इनकी चेक करने की। तो फिर अभी हम उधर से आए हैं, इधर को देख रहे हैं, कहीं दिखाई नहीं दे रहे, अब ऐसे हम कहाँ भटकेंगे यहाँ? देखिए कैमरामैन से मैं कहना चाहूँगी तस्वीरें वो आपको इधर की दिखाए, क्योंकि कितनी बड़ी संख्या में भीड़ जो है वो यहाँ पर मौजूद है। देखिए आंधी का मौसम हो गया, मौसम भी ख़राब होता नज़र आ रहा है, लेकिन उस बीच लोगों में जो है काफ़ी चहल पहल देखी जा रही है। लोग यहाँ पर अपने अपने घर की ओर जाना चाहते हैं, और लगातार अनाउंसमेंट भी किए जा रहे हैं। कई बसें यहां पर भरी हुई भी नज़र आएंगी, जो लोग जो हैं बैठ चुके हैं बसों में अपने अपने घर की ओर जाने के लिए, लेकिन ऑन कैमरा लोग बोलने से डर रहे हैं, ये साफ़ तौर पर नहीं कह पा रहे हैं कि वो लोग कहां जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। घर तो जा रहे हैं लेकिन ये नहीं बता रहे कि वो क्यों जा रहे हैं, क्या लॉकडाउन का डर है या फिर किसी और वजह से ये लोग अपने घर जा रहे हैं। क्योंकि देखिए पिछले साल भी हमने सेम यही तस्वीरें देखी थी, हालांकि पिछले साल इससे ज़्यादा भयावह तस्वीरें सामने आई थी, इस साल ऐसी तस्वीरें ना आए और ऐसी सिचुएशन में लोग ना पड़े, प्रवासी मजदूर ना पड़े, इसीलिए इस बार ये लोग जो हैं खुद पे खुद कदम जो हैं वो उठा रहे हैं। ये लोग इंतज़ार नहीं कर रहे कि शासन प्रशासन या सरकार की तरफ से कोई अनाउंसमेंट किया जाएगा तभी ये लोग जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये लोग, इन लोगों ने सोच लिया है कि सरकार इससे पहले कोई बड़ा कदम उठाए, कोई कड़ा कदम उठाए, उससे पहले ही हम लोग अपने अपने घर पहुँच जाएँ, ताकि उसके बाद अगर लॉकडाउन जैसी स्थिति भी बनेगी, लॉकडाउन भी होगा, तो हम अपने घर पर ही रहेंगे और हम लगातार जो हैं यहाँ पर पिछले साल जिस तरह से परेशान हुए थे, इस साल परेशान ना हो, इसीलिए लगातार ये लोग जो हैं यहाँ से जाते हुए नज़र आ रहे हैं। कैमरामैन सरताज के साथ मैं पारुल त्यागी, आनंद विहार, दिल्ली।